हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सिलाई से। तो देखिए, मैं कर रही हूँ सिलाई, और एक तो मैंने चीज़ सिल दी है जो मैंने सिल चुकी हूँ, और इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है। आपको अगर देखना है तो देख लेना, रूबी अग्रवाल नाम है उस चैनल का। और देखिए, ये मेरा मैंने बनाया बेबी के बच्चों के लिए पजामा, इसको पहना के देख लिया है चेक करके, और देखिए उल्टा है भी है। इसको मैं सीधा करके आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार। और देखिए, ये है हमारा पजामा, बिल्कुल सही बना है। लंबाई चौड़ाई जितनी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल परफेक्ट बनाया है मैंने। प्लाजो पैंट, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। और गैस देखिए, थोड़ा बहुत फैलारा भी फैल रहा है क्योंकि हो चुका है शाम का टाइम, और चाय तो मैंने पी लिया बना के एक बार इस पजामा को सिलने के बाद में। और इसको थोड़ा सा बहुत सेट करके अभी मुझे एक और चीज़ सिलनी है। ये मैंने कपड़ा निकाला है, तो इसमें से क्या सिलूंगी वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी लास्ट में कि इसमें से मैं क्या बनाने वाली हूँ। और ये देखिए, बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, ब्लैक कलर का, और ये पैंट वाला कपड़ा है। जो पैंट होते हैं ना, उसमें से अगर आपके पास कोई भी वेस्ट पैंट का कपड़ा पड़ा है तो वो आप ले सकते हो, और ये भी पैंट वाला कपड़ा है। तो ये जो कपड़े हैं मेरे पास छोटे छोटे पड़े हुए थे, तो वही मैंने ले लिए हैं पीस। तो अगर आपके पास भी अगर वेस्ट पैंट पड़ा हुआ है तो उसमें से आप सिल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक में से दो सिल जाएंगे बच्चे के अगर आप बना रहे हो तो। देखिए, ये आधा पैंट का पीस था, तो पूरा एक पजामा बन चुका है बच्चे का। और ऐसे ही ये है, तो इसमें से तो मैं अभी सोचूंगी कि क्या बनाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ बहुत देर से, लेकिन बच्चे कभी कुछ कह रहे हैं कभी मैं कह रही हूँ नीचे का ही सिस्टम बनाऊंगी इसमें से, क्योंकि ये क्या है, मोटा कपड़ा है इसीलिए। तो मोटा कपड़ा ऊपर टॉप वगैरह तो अच्छा सही नहीं रहेगा, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं इसीलिए। और इसमें से हम पैंट या प्लाजो या फिर कैपरी या फिर नेकर या फिर स्कर्ट, ये चीज़ बता रही हूँ बच्चों को कि इनमें से कोई भी डिसाइड कर लो। तो बच्चे देखिए क्या बोलते हैं, मैं पूछती हूँ अभी इनसे। तो क्या बनवाना है बेटा? फ्रॉक। इसमें से मोटी रहेगी फ्रॉक, तो देखते हैं। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ बच्चों के लिए गोलगप्पे का पानी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक लोटा, इसमें डाला है मैंने पानी जितना भी बनाना है उतना। तो देखिए, आधा लोटा पानी ले लिया है मैंने। तो चलिए गाइस, इसमें डाल लेते हैं अपने मसाले। नमक ले लिया है, अपनी मसालदानी ले ली है इसमें डालने के लिए। इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले चाट मसाला। चाट मसाला अच्छे से डाल लिया है मैंने। इसको मैं चला के एक बार देख लेती हूँ। तो देखिए, पानी का कलर चेंज हो गया है, तो मतलब सही है ये। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। इसको हम कर देंगे मिक्स। अब हमें इस पानी को थोड़ा सा खट्टा करने के लिए डालनी है इसमें साटरी। देखिए, थोड़ी सी मैंने ली है साटरी, इसमें डाल दी है। इसको मिक्स कर लेती हूँ। एक बार इसको मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ अच्छे तरीके से चला के। देख, कलर तो अच्छा लग रहा है इसका वैसे। थोड़ा सा नमक कम है, वैसे सब सही है, और थोड़ा सा खट्टा भी कम लग रहा है मुझे, हल्का सा, ज्यादा नहीं। हट, मस्त एकदम। तो चलिए, अब हम गोलगप्पे खाएंगे। अभी आलू रेडी कर लेती हूँ फोड़ के। गाइस, हम खा रहे हैं गोलगप्पे, थोड़े से बच रहे हैं, उनको भी फ्रीज कर देते हैं। मेरी बाबू रो रही है क्या? चलो हम गोलगप्पे। तो गाइस, मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि इस कपड़े में से मैं कुछ बनाऊंगी, वो बन चुका है। तो देखिए, इसको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने बनाई है स्कर्ट, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे स्कर्ट बना दो मम्मी, स्कर्ट बना दो। तो पहले बच्चों का डिसीजन पूछा जाता है ना कि क्या बनाऊँ। तो ये कतरन पड़ी है कपड़े की उधर, वो भी काम में आ जाएगी जो बड़ी बड़ी होगी, छोटी छोटी तो फेंक दूंगी। तो ये हमारी स्कर्ट बन चुकी है, बहुत ही प्यारी सी। केवल एक
वन पीस कपड़े से, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है। और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, रूबीज आइडियाज के नाम से है वो चैनल। तो इस स्कर्ट का वीडियो मैं डालूंगी, रूबीज आइडियाज के नाम से है वो चैनल उस पर। और जो अभी मैंने आप लोगों को पैंट दिखाया था उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, इसका भी डाल दिया है। जब तक ये वीडियो पहुंचेगी जब तक तो डाल दूंगी इसको, तो मैं इस वाली वीडियो को तो मैं अभी डाल रही हूँ, बस इसको ब्लॉग को शूट करके थोड़ा सा। और उसका वीडियो तो मैंने रूबी अग्रवाल नाम पर डाला है चैनल पर। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं। आप देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं। क्या करती है ये, क्या करती है, देखिए सुला रही है। बैठे नहीं बेटा, गिर जाएगा बच्चा मेरा। तो गाइज मेरा बेबी सो गया है और कमरे को भी मैंने देखिए बिल्कुल सेट कर दिया है, और आपको दिख रहा होगा। तो इसको तो हम सोने देते हैं, अब हम बाहर का काम कर लेते हैं फ्री। और मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है और अब मैं बनाऊंगी खाना, तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है मेले में भी। तो जल्दी जल्दी फटाफट से काम को फ्री करना है। और सब्जी भी आ चुकी है, बनाने वाली हूँ मैं बैंगन। और सुबह मैंने बनाई थी देखिए भिंडी, थोड़ी सी बच भी गई है, तो सुबह भिंडी बनाई थी, अब बनाएंगे हम बैंगन। और गाइज चलिए, और देखिए बोतल वगैरह भी भरनी है, बर्तन वगैरह भी थोड़े बहुत तब इस पर रखे हैं, वो भी साफ़ करने हैं चाय के। वैसे एक्स्ट्रा बर्तन तो है नहीं है, लेकिन चाय वगैरह के बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है। और चलिए हम इसको काम को फ्री कर लेते हैं। तो गाइस देखिए मेरी इतनी सारी बोतल खाली हो चुकी हैं, अब मैं आ रहा हूँ, मैं से इनको भरूंगी, कितनी सारी बोतल हो गई हैं धो के। और बर्तन वगैरह भी थोड़े बहुत साफ़ करने हैं, तो पहले खाना बनाऊंगी, अब बर्तनों को तो तभी साफ़ करूंगी मैं। तो गाइस बोतल तो भर चुकी हैं थोड़ी बहुत, और थोड़ी सी रह गई हैं देखिए, 6 बोतल रह गई हैं। अब इनको ये भर जाएगा सारों जब भरूँगी। अब जब तक हम सब्जी वगैरह कट कर लेते हैं और खाना पीना बना लेते हैं, फिर जब तक भर जाएगा फिर से भर दूंगी बोतलों को। आज ज़्यादा ही खल गई हैं क्योंकि ना मैंने कल ज़्यादा नहीं भरी थी, थोड़ी ही भरी थी इसीलिए। क्या है यहाँ के, लेट गई है। तो गाइस खाना पीना तो हो चुका है, मेरे बर्तन भी एक बार के साफ हो चुके हैं, और अब मैं इसको सेब को थोड़ा बहुत सेट करूँगी और फिर हम जाने वाले हैं मेला देखने। रात को ही जाएंगे 8:30 बजे करीब, अभी बज रहे हैं 8, और मैं बस थोड़ा सा किचन को सेट कराती हूँ और फिर रेडी हो लेते हैं। अभी रेडी करूँगी, अभी रुक जाओ 2 मिनट, मैं बस किचन को सेट कर आऊँ। नहीं अभी चलेंगे बेटा, अभी 2 मिनट और रुक जाओ अभी। तो फाइनली गाइस देखिए मेरा सारा काम किचन का ओके है, किचन को भी मैंने साफ कर दिया है स्लिप को भी, और बर्तन वगैरह भी सब साफ है। और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी, और रह गया है अभी दूध, तो दूध को तो मैं बाद में गर्म करूँगी वहाँ से आके, क्योंकि वहाँ कितना टाइम लगेगा, 1.25 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए कपड़े निकाल लेते हैं, अपने लिए साड़ी और बच्चों के लिए टॉप वगैरह, और फिर रेडी फेडी हो लेते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। और देखते हैं पहले कितना लंबा हो रहा है ये ब्लॉग, फिर आपको बताती हूँ कि बने रहना है या बाय बाय करना है। मेला के लिए रेडी, मैं देख रही हूँ कि नहीं, और मेरा बेबी भी रेडी है। देखिएगा ये भी रेडी हो चुकी है, और ये जो मैंने पजामा बनाया है वही पहना है इसने। तो गाइस देखिए अब हम चलते हैं यहाँ से, और अभी मैं कॉल भी करूँगी इनके पास नीचे कि हम आ जाएं कि नहीं आ जाएं। क्या हो गया, अरे आँख में लगा दिया। बहुत धुंधला धुंधला सा हो रहा है कैमरा, साफ करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस चलते हैं, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अगला पार्ट में आएगा मेला का जो सीन है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं शूट करूँगी लेकिन थोड़ा बहुत करूँगी, वो आप लोगों को शेयर करूँगी अगले वीडियो में।
बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो। बाय बाय करो बच्चों, बोलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।